तो बकरी कोई अच्छा और अगली अटेम्प्ट होगी गालबन मई में, मई में है ना अगली अटेम्प्ट। चलें कैफ पे आते हैं, जरा पीआरसी को कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं। कल के लेक्चर से कोई सवाल, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी, कंसिडरेशन से है पूछे। एडिक्वेसी ठीक है, और इसके अलावा ऊपर के दो लाइंस कौन सी हैं? ठीक है, और इसके अलावा तुम कल सोए हुए थे क्लास में? मैंने तीन तीन मिसालें दी थी, वेटर की दी थी, फायर ब्रिगेड की दी थी, दोबारा कर लेते हैं। पास फॉर एंट्री, अब दोनों को मिल गया। नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। और इसके अलावा कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल? ठीक है, तो अभी तक हमारे पास दो सवाल आए हैं। पहला आया है एडिक्वेसी का। हंजला एक मुझे बात बताओ, आपके पास अगर चले, आप मुझे वॉच पहनी हुई है, मैं आपसे आके कहूंगा ये वॉच मुझे चाहिए, तो आप मुझे वॉच कितने की दोगे? नहीं, अगर फॉर सेल हो तो कितने की दोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने की दोगे? 400 की दोगे? अगर मैं आपसे कहूँगा यार देखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे पैसे चार्ज करते हुए, तो मुझसे प्रॉफिट कमाओगे? मुझसे? तुमने जाके कैमरे भी जवाब देना है। तुम ऐसा करो, ये घड़ी मुझे 50 रुपए की दे दो, और तुम आंखों में आंसू शर्मिंदा, तुम कहें सर ये ले लें 50 की ले लें, बस मेरी जान छोड़ दें, बहुत बेइज्जती हो गई। क्या पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? क्या मुझे आपसे कंसिडरेशन मिल गई इन द फॉर्म ऑफ वॉच? मगर क्या ये उतने पैसे हैं जितने आपने डिमांड किए थे? इसका मतलब है कि कंसिडरेशन ट्रैवल ज़रूर की है, पैसे मिले ज़रूर हैं, मगर वो एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है, मुनासिब नहीं है। मगर आपने कोई एतराज़ भी नहीं किया, आपने 50 रुपये जेब में रखे, अपने आंसू साफ किए और चैप्टर को याद करना शुरू कर दिया। आपने कोई इख्तलाफ की नोट नहीं दिया मुझे, आपने कोई काउंटर जवाब नहीं दिया मुझे कि नहीं सर ये गलत बात है, ये ऐसे ये वैसे। आपने कहा सर जैसे आपके, दिस इज अ ट्रांजेक्शन जहाँ पे मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया। एज अ टीचर आई वॉज इन अ पोजिशन, अ डोमिनेटिंग पोजिशन, जहाँ पे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, और आप मेरी उस इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और आपने ये घड़ी मुझे दे दी है। कुछ दिनों के बाद आपको ख्याल आया कि नहीं यार ज्यादती हो गई है, ये घड़ी 50 रुपए की तो नहीं थी। आप चले गए कोर्ट, कोर्ट में जाके आपने ये साबित करना है कि आपके साथ उस वक्त गलत हुआ था, ज्यादती हुई थी, मगर मैंने आपको पेमेंट कर दी है, कंसिड्रेशन ट्रैवल हो गई है। अब वो मुनासिब है, काफी है, एडिक्वेट है या नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये इसका मुद्दा नहीं है, ये कोर्ट ने फैसला करना है कि मौके की मुनासिबत को देखते हुए उसको मैं एडिक्वेट मानूं या ना मानूं। नंबर टू, जीरो नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। बेशक मैं आपको 1 रुपया दे के वो चीज़ परचेज कर लेता, दैट स्टिल वुड हैव क्वालिफाइड फॉर अ
मॉनेटरी, इकोनॉमिकल, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। बट अगर वो बिल्कुल फ्री में होती, जीरो की कंसिडरेशन होती, तो वो अलाउ नहीं है। तो होनी चाहिए, एडिक्वेट है या नहीं है ये फैसला कोर्ट करेगी। डन। और क्या सवाल था? कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यही मिसाल घड़ी की कर लेता। घड़ी मुझे किसने देनी है? आपने देनी है। आपने कहा सर वो घड़ी तो मैं आपको दे दूंगा, मगर अभी इस वक्त मेरा भाई पहन के गया हुआ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो घड़ी चाहिए। आपने कॉल किया, आपने कहा यार आते हुए ना घड़ी सर को देते हुए आना। अब कंसिडरेशन का मैं आपसे डायरेक्ट ले रहा हूँ? नहीं। किससे ले रहा हूँ? आपके एजेंट से, आपके भाई से, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। वो मुझे वो घड़ी प्रोवाइड करेगा, तो या आपसे लूँ या आपके किसी एजेंट से लूँ, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। एक और मिसाल भी सुन लो। कॉलेज में पैसे भरे, फी भरी हुई है, तो परेशान क्यों हो? किसको दी थी? वो पढ़ाने खड़े हो गए यहाँ पे, कौन पढ़ा रहा? आपने कंसिडरेशन कॉलेज को दी है, मुझे नहीं दी। बट आपको कौन डिलीवर कर रहा है? डेली बेस पे यहाँ पे कौन खड़ा हो रहा है? आपके सवालों को आंसर कौन कर रहा है? मैं। तो कंसिडरेशन जब आपका और कॉलेज का मामला हुआ, तो उस प्रोमिसी ने नहीं दी, उनकी जगह पे मैं दे रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई एम लीगली बाउंडेड। और अगर मैं आपसे कहूँगा यार हर क्लास के मैं अलग से 500 रुपया चार्ज करूँगा, उसके अलावा जो कि आप बाहर कॉलेज को फी देकर आए हुए हैं, तो क्या मैं अलग से 500 रुपया चार्ज करने का हकदार हूँ? नहीं। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन वो नहीं होनी चाहिए जो कि पहला बंदा ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ हो। आराम आ गया, सुकून आ गया। अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ जी, कौन सा वाला? उसमें क्या मसला? देखो, पहला रूल ये था बाउंड बाय लॉ वाला, कि हम अगर किसी पार्टी को कोई पैसे दे रहे हैं जो वो ऑलरेडी बाउंड है, ऑलरेडी बाउंड है, तो हम अपने शायद दिल से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। उसने मांगे नहीं है, हमने उसको बस पेमेंट कर दी कि यार चलो इसने हमारे लिए एक अच्छा काम किया, दिल से सखी होके वॉलंटरीली पेमेंट कर दी है। आई वॉज नॉट बाउंड टू पे। जो मैं अलग से उसको पेमेंट कर रहा हूँ, नो डाउट उसको पैसे तो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको कंसिडरेशन मिल रही है, बट ये कमर्शियल नहीं है। ये मैंने अपने दिल से दिया, वॉलंटरी दिया। कमर्शियल में और अपने दिल से कोई चीज़ देना फ़र्क है। कमर्शियल इज फॉर बिजनेस, मगर सखी होकर देना, अपने दिल से देना, वो एक शॉर्ट ऑफ टिप वगैरह होती है, तो वो इसमें ना क्लासिफाई करो। और कोई सवाल? क्लियर होगी बात? और कोई सवाल? कोई और सवाल? वो कल वाले सवाल किए हैं, जरा बताएंगे कोई मसला उनमें से? जी हाँ जी, कोई सवाल बताइएगा कल वाले सवालों में से कोई सवाल। हाँ जी, 29। और अच्छा, बहुत से शहजादे ना पढ़ना शुरू हुए। मैं आपको नाम लिया, मैंने कहा बहुत से शहजादे। अच्छा अच्छा, 29। वो ना गलत फहमी हो जाती भाई को। 29, आगे बताएं। हमना के पास एक सवाल है, बट हमना परेशान है। क्या सवाल है? लिटिगेशन, अदालती कार्रवाई। 15। और ये किसका लगा हुआ चार्जर? मतलब पैसे पूरे करने का ना
कॉलेज की बिजली तक आपने इस्तेमाल करनी है, घर वालों को। अच्छा चले 1500-1900 और तुक्का ही मार दें, नहीं पढ़ के आए हुए मुझे पता है, शक्लें बता रही हैं। हाँ जी सभी भाई, पेशाम भाई, नहीं पढ़ा मुझे पता, शक्लें बता देती है खवातीन की साइड से, नहीं पढ़ा ना, पढ़ा है तो दसो। नहीं पढ़ा, शक्लें बता देती है। अभी छुट्टियां हुई नहीं है, अभी होनी है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। बस दो ही सवाल है, देख लें अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं आप लोग। इतना अच्छा, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। मरियम अ माइनर बायज मेडिसन फ्रॉम जैन। मरियम हैज नो प्रॉपर्टी। मरियम ने जैन से मेडिसन्स ली हैं और मरियम के पास कोई प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी के लिए लिख लें, प्रॉपर्टी बिजनेस लॉ के अंदर हम लोग एसेट को कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी वो लैंड बिल्डिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये इससे मुराद है कोई भी ऐसा एसेट जो कि इसके बदले दिया जाएगा, कहेंगे कैश। मरियम अ माइनर बायज मेडिसन फ्रॉम जैन, मरियम हैज नो कैश। तो क्या मरियम को हम लायबल कर सकते हैं? इन शॉर्ट, क्या माइनर को कभी लायबल करार दिया जा सकता है? नहीं। सिंपल 29। हाँ हाँ, माइनर से रिकवरी करना बहुत मुश्किल है इस कानून के तहत। आपकी एज क्या है? 29। Arif transferred certain property to his daughter Humaira. ये सवाल किसने मुझे लिखवाया? इसमें मसला क्या आया था? मुझे मसला बताइए, सवाल में क्या था? चलो चले आप बता दें मसला क्या था, मुझे बताना है, उधर नहीं बताना, मसला बता दें। चलिए बता दें एनविटी क्या होती है, पढ़ गया हूँ यार, ऐसे नहीं करना। एनविटी किसे कहते हैं? व्हाट इज एनविटी? कॉन्स्टेंट कैश फ्लोस, करीब करीब का एक आंसर आ रहा है। एनविटी वर्ड एनुअल से निकला है, तो क्या होती होगी एनविटी? इक्वल पेमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, और चूंकि एनु है तो इट वुड बी एनुअल इंटरवल्स। इसका मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे से सामान खरीद रहा है या कोई एसेट बाय कर रहा है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें हर साल सेम अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, यानी कि किस्तों पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, सिंपल। तो आरिफ, हुमैरा और नुमान तीन लोग हैं। आरिफ ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अपनी बेटी हुमैरा को और ये कहा है कि तुमने नुमान को इसके पैसे देने हैं हर साल इक्वल अमाउंट। उसी दिन हुमैरा ने एक और डीड बनाई, डीड कहते हैं, एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें लिखा कि मैं तुम्हें एनुइटी पे कर दूंगी, ठीक है। बाद में हुमैरा रिफ्यूज्ड, उसने कहा कि भाई प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है आरफ से, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, मैं तो उसको दूंगी जिससे मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है, तुम कौन होते हो, तुम मामा लगना। तो क्या ये सही बात कर रही है? नहीं, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक खातून कह रही है कि वो खातून गलत बात कर रही है। तो सही बात क्या है? उसको लायबल है। तो हमने क्या कहा था, सिर्फ आप उस बंदे को नहीं, इट कैन मूव फ्रॉम एनीवन, कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। और कोई सवाल? आज पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, एक डब्बा तो कहानी खत्म हो गई, तो कहानी मुक गई।
सर अब चलते हैं, क्योंकि आप तो खैर कसम खा के आए कि नहीं पढ़ गया ना, मगर मैंने कसम खाई भी पढ़ाने की। इस चैप्टर के अंदर तीन बातें हैं, नंबर वन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नंबर टू कंसिडरेशन, एंड नंबर थ्री इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट जी प्रशांत भाई, ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? मकसद। आप लोगों ने गाली मुका दी, अक्सर बच्चे इस ऑब्जेक्ट को गुड्स या सर्विसेज करार दे देते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने एक कुर्सी बाय करनी है और इसके बदले मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, एक कुर्सी है इसके बदले पेमेंट होगी 1000 रुपये की, तो 1000 रुपया जो मेरी जेब से जा रहा है वो क्या है? कंसिडरेशन। जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है वो क्या है? कुर्सी। मगर वो कंसिडरेशन है, वो क्या है? कंसिडरेशन, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये मैंने कुर्सी इसलिए बाय करनी है ताकि मैं अपनी क्लास में बच्चे को बैठ के पढ़ा सकूं, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये मकसद है, ये मकसदियत है कि मुझे ये कुर्सी क्यों बाय करनी है, व्हाई आई नीड दिस चेयर। ये ऑब्जेक्ट से मुराद है व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है, व्हाई आई एम एंटरिंग इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने बस ये 5 बातें की हैं और समेट दिया, उसने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया, डिटेल में उतरा ही नहीं। उसने कहा कि अगर तो तुम इन 5ों में से किसी भी एक नियत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और वॉइड किसे कहते हैं? वॉइड इज जो वैलिड नहीं है, जो बातिल है, जो खराब है, जो बातिल है, जो खराब है। यानी कि ये 5 रीजन, इनमें से अगर कोई भी एक एग्जिस्ट करती है, कोई सी भी एक, 5ों नहीं, कोई सी भी एक, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा तुम्हारा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। और याद रखिएगा, एक वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। अच्छा, 5 बातें। पहला, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना किया हुआ। रिश्वत लॉ ने मना की हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे 1000 रुपया दो, मैं तुम्हें ये नौकरी दिलवा देता हूं और वो पैसे लेके मैं भाग जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक ऐसा काम करने की कोशिश की जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। इस एग्रीमेंट के अंदर पैसे लेके अगर मैं उसको नौकरी ना दिलवा पाऊं तो दूसरी पार्टी चाह के भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। बताओ क्यों? फॉरबिडन है, वो उसको लीगली इनफोर्स ही नहीं करा सकती। जब वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट वाले क्या कहेंगे कि तुम तो ऑलरेडी एक रिश्वत वाला काम कर रहे थे, तो मामा तू तो पहले आना, जो आ गया पहले उसको तो पकड़े, जो दूसरी पार्टी उसको बाद में ले आएंगे, जो हाथ चढ़ गया उसको तो अपने काबू में करें। तो हर एक एग्रीमेंट जिसकी इंटेंशन ऐसी है जो कि किसी और कानून ने उसको एक्सप्रेसली मना किया हुआ है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो पहली बात बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट विद अ माइनर। अब माइनॉरिटी के एक्ट ने उसको मना कर दिया, तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। एक और मिसाल कर लेते हैं,
पाकिस्तान में इस वक्त पतंगबाजी अलाउ है या बैन है? बैन है। अगर मैं एक ऐसी ट्रांजेक्शन करूं जिसमें मैं 100 पतंगें खरीदनी है, 100 काइट्स बाय करनी है, जो कि अपने अंदर क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, दूसरी पार्टी पैसे लेके भाग जाए, तो क्या मैं उसको पकड़ पाऊंगा? मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। इसी तरह वेजरिंग, जुआ, शर्त, मैं शर्त लगाऊं पाकिस्तान मैच जीतेगा और हार गया और अब मैंने उसको पैसे देने हैं, मैं भाग जाऊं, तो दूसरी पार्टी चाह के भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। क्यों? उसके लिए ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। तो पहले क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरबिडन। दूसरा एक और एफ है, इट इज फ्रॉडुलेंट, नियत ही धोखा करने की हो। कॉलेज आपसे कहे कि यार क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एडमिशन करा लो, और जब आप फर्स्ट क्लास के लिए आए तो ना कॉलेज हो, ना इंतजामिया हो, ना टीचर हो, ना कोई कुर्सी हो। याद है हेरा फेरी, लक्ष्मी चिट फंड याद है, हेरा फेरी मूवी याद है, बेबाशा बासु याद है, लक्ष्मी चिट फंड याद है, जो उसने पैसे दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे ना वो कंपनी थी, ना वो पैसे थे और ना वो इदारा था। उसके बाद एक मीम बनी थी, वो मीम क्या थी, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इट वॉज फ्रॉडुलेंट। नीयत ही खराब है, नीयत ही दो नंबर की है। जिस तरह कल आप लोगों ने क्लास में बैठ के नीयत बनाई थी कि घर जाके हम लोगों ने नहीं पढ़ना, तो क्या मैं आज कुछ कर पाऊं आपके साथ? नहीं। क्यों? नीयत ही आप लोगों की खराब थी। तो अगर बाय डिफॉल्ट ही फ्रॉड करने का सोच रहे हैं कि भाई पैसे आएंगे मैं लेके भाग जाऊंगा, तो ये वाला एग्रीमेंट भी क्या है, वॉइड। यहां पर एक मसला आएगा, इसको साबित करना पड़ेगा, मगर क्या साबित करना हमारा काम है? नहीं, वो काम किसका है? तो एक और एफ लिख लेते हैं, दो एफ हो गए हमारे पास। पांचवा पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। एग्रीमेंट ही ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि तुमने इस बंदे को कत्ल करना, इस बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इस बंदे को घूसे मारने हैं, थप्पड़ मारने हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट जो आप नॉर्मली बदमाशों के साथ करते हैं कि उसको उठवा लो, इन शॉर्ट सुपारी देना, वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे किसी दूसरी पार्टी को नुकसान करवाने जा रहे हैं, उस बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को, उस बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो इट इज ऑल्सो अनलॉफुल, इट इज ऑल्सो अनलॉफुल। तो मैं अगर एक बदमाश को पैसे दूं कि तुम जाके सभी को उठा लो, और वो सामान आमी बदमाश मेरे पैसे लेके भाग जाए, नहीं चलो, अगर वो बदमाश मेरे पैसे लेके भाग जाए, तो क्या मैं इसको पकड़ने के लिए अदालत जा सकता हूँ? नहीं, अदालत पहले मुझे पकड़ लेगी कि आपने ऐसा खराब अनलॉफुल एग्रीमेंट क्यों किया, तो पहले मुझे पकड़ेगी, मुझे लगाएगी पंजा, उसके बाद इन भाई साहब को, अगर ये पकड़े गए तो, खैर पांजे वाली कैपेसिटी है नहीं। तो इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को, इसका मतलब है कि यहां से हम लोग आई को पकड़ लेते हैं, आई स्टैंड्स फॉर इंजरी। अब यहां पर आ जाते हैं पॉइंट थ्री, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू। आप लोगों ने आजकल देखा होगा ये जो मांगने वाले होते हैं सड़कों के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, इन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ, ये लिख के लगाते हैं बच्चे बराए फरोख्त, चिल्ड्रन फॉर सेल, देखा, चिल्ड्रन फॉर सेल,
इट इज इमोरल, इट इज इमोरल। ऐसी चीज जो कि अवामुन्नास के अगेंस्ट है, ऐसी चीज जो कि अवामुन्नास के खिलाफ है, वो क्या होती है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल। बुनियादी तौर पे वो चीज ही बुरी है, तो क्या ऐसी चीज को पूरा किया जा सकता है? नहीं। तो यहां से भी हम लोग आई पकड़ लेते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इमोरल। तो दो एफ आ गए और दो रह कौन सा गया? टू। टू को समझने के लिए एक एग्जांपल मुझे चाहिए होगी, और आज आपके बारे नहीं, बैठे बैठे भाई साहब एक यूटिलिटी स्टोर चलाते हैं, और इनको पता चला कि पाकिस्तान के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज रहती हैं, एक मुस्लिम रहते हैं और एक नॉन मुस्लिम रहते हैं। इनको पता चला कि नॉन मुस्लिम्स एक तरह की बोतल बहुत शौक से पीते हैं, वो कौन सी होती है? साकी जाम पिला दे, लस्सी जो होती है, वाइट बियर, वाइट लस्सी। और इनको ये भी पता चला कि यार ये इसमें तो प्रॉफिट बहुत है, बहुत मुनाफा है, मगर ये कहाँ पे बिकती होगी? सिर्फ फाइव स्टार होटल्स में बिकती है, नॉर्मल आप दुकानों से बाय या सेल उसको नहीं कर सकते। इनको चढ़ा शौक पैसे कमाने का, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। उस स्टे ऑर्डर में ये था कि ये बोतलें आप अलाउ कर दें कि हम लोग अपनी दुकानों पे, अपने यूटिलिटी स्टोर्स पे भी बेचें, मगर हम आपसे वादा करते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को बेचेंगे जो कि आके हमें अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और वहां पे लिखा होगा कि ये लोग मुस्लिम नहीं। कोर्ट ने प्रोविजनली फॉर द टाइमिंग इसको अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया, इफ परमिटेड परमिट कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही बेचेंगे? खुद कह रहा नहीं सर, मैं इतना अच्छा हूं ही नहीं कि मैं जो हूं वो एक नेक काम करूं। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसी चीज अलाउ कर दें, अगर हम कोई ऐसी चीज अलाउ कर दें जिससे किसी दूसरे कानून की कोई दूसरी प्रोविजन खराब हो जाए, इसको अलाउ करने से क्या हुआ? आप सारे तो नहीं जैसे, कुछ नॉन मुस्लिम्स को ही बेचेंगे और कुछ मुस्लिम्स को भी बेचना शुरू कर देंगे। तो अगर ये एक ऐसी नेचर का है कि अगर उसको अलाउ कर दिया गया, इफ इट इज परमिटेड, वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी और लॉ की किसी और प्रोविजन को वो खराब कर देगा, तोड़ देगा, मसल देगा, डिफीट कर देगा। तो इस तरह का एग्रीमेंट भी क्या है? वॉइड। लाहौर में फर्ज करें पतंगबाजी बैन है, और फर्ज करें कि गुजरांवाला में बैन नहीं है, और गुजरांवाला वालों को यह कहा गया है कि आपने सिर्फ गुजरांवालों को ही पतंगे बेचनी है। अब लाहौर का एक बंदा पहुंच जाए गुजरांवाला, उसको बेच देगा, मगर ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि गुजरांवालों को ये अलाउ किया गया था कि तुम लोग बेच सकते हो, उनको परमिट कर दिया गया। इससे क्या हुआ? दूसरी लॉ की जो लाहौर में लॉ चल रहा था उसके खराब होने के चांसेस निकल आए। तो इस तरह का भी एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। इस तरह का भी क्या है? तो डबल एफ डबल आई, यहां से हम पकड़ते हैं पी एंड डी। पी पकड़ लें, ये पकड़ लेता, दो एफ दो आई और एक पी। तो अब आप इससे कोई भी अपने पसंद का एक्रोनिम बना सकते हैं। ये इसलिए लिखवाया है कि आई कैप को ये रट्टे में पूछना बहुत पसंद है, तीन नंबरों के लिए बड़े आसानी से पूछ लेता कि बताएं ऑब्जेक्ट
कहाँ कहाँ पे अनलॉफुल होता है या कहाँ कहाँ पे एक एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा अपने ऑब्जेक्ट की वजह से। तो दो एफ हैं, एक फ्रॉडुलेंट और एक है एक फॉरबिडन, दो आई हैं, एक इंजरी और एक इमोरल और एक पी है। ये पांच बातें याद रहेंगी, पक्की बात है। कहाँ गया? नियत। सर नोट्स के फर्स्ट पेज पे आ जाए, बिल्कुल पहले पहले पेज पे आ जाए, एक आपको बॉक्स मिलेगा, मिल गया। इसके अंदर चार डेफिनेशंस हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये डेफिनेशन अब आपको सारी याद हैं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? देख लेते हैं। देखें, ऑफर जमा एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस जमा कंसिडरेशन क्या होता है? एग्रीमेंट जमा लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है? आप जरा जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लें। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इधर, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, मगर ये लीगली इन्फोर्सेबल ना हो। एग्रीमेंट है मगर लीगली इन्फोर्सेबल, तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता? नहीं बन सकता है, हाँ या ना में जवाब दें। नहीं। कहाँ पे रुक गया आके? कहाँ पे रुक गया? और ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? ये वॉइड है, क्योंकि वो लीगली आगे इनफोर्स नहीं हो सकता। तो अब ये पढ़ लें, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज टू बी वॉइड, और ये हमेशा क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। याद है एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विद अनसाउंड, एग्रीमेंट विद डिसक्वालिफाइड पर्सन, और इस तरह के एग्रीमेंट जो भी हम देख कर आए हैं वो क्या है आपके? वॉइड एग्रीमेंट्स। नहीं ना, ये हो गया, यहां तक हो गया, एग्रीमेंट बन गया, मगर ये लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है। वो तो आगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो गया। तो अगर एक चीज, एक एग्रीमेंट आपने कर लिया माइनर के साथ, उसको लीगली इन्फोर्स करा सकते हो? एग्रीमेंट है मगर ये वैलिड नहीं है, तो क्या है फिर? वॉइड। याद है? क्लियर है? अच्छा ये बताएं, एक ऑफर हुई, हो गई, एक ऑफर हुई है 10 काइट्स बाय करनी है, एक्सेप्टेंस भी हो गई, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी तय हो गई, और जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पतंगबाजी बैन नहीं है, अलाउ है। इसका मतलब है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और पाकिस्तान में उस वक्त ये लीगली इन्फोर्सेबल है, तो क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दो हफ्ते के बाद पतंगबाजी पे बैन लग गया, और अभी तक ये डिलीवरी नहीं हुई। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पे पतंगबाजी अलाउ थी, मगर जब एग्जीक्यूशन की बारी आई, परफॉर्मेंस की बारी आई, तो पतंगबाजी पे बैन लग गया। जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाद में कुछ ऐसा हो गया, अल्फाज पे गौर कीजिएगा,
बाद में कुछ ऐसा हो गया, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बाद में, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया कि अब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, मगर मसला ये कि पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका और बाद में कुछ ऐसा हुआ, तो अभी वापस तो एग्रीमेंट पे आएगा नहीं, मगर अब ये वैलिड नहीं है। ये क्या है? वॉइड। और क्या है ये? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहलाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया, अ कॉन्ट्रैक्ट, सुने, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सीजेस कहते हैं रोक देना, बिकम्स वॉइड कब? जब आप इसको सब्सिक्वेंटली निभाने जा रहे थे और आप उसको निभा नहीं पाएंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब बना था तब वो वैलिड था, सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अब ये इनफोर्सेबल नहीं। सर, एक सवाल का जवाब दें। मैंने एक सिंगर को अपॉइंट किया और कहा कि तुमने मेरी शादी पे गाना गाना, ये कहा ही था कि अगले दिन उस सिंगर की डेथ हो गई और शादी 2 दिन के बाद है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है? हाँ, सब कुछ हो गया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? डेथ हो गई है, सब्सिक्वेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया था, सब्सिक्वेंट डेथ के बाद अब ये निभा नहीं पाएगा, तो क्या मैं इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के निभा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी स्किल है जो कि हर एक पोजेस नहीं करता। सिंगिंग के अलावा अगर कुछ डिलीवरी होती, कुछ सामान आना जाना होता, तो फिर तो उसके लीगल वारसन पूरा कर देते, मगर इस केस में ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। लिख लें, पर्सनल नेचर। ये ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वही बंदा पूरा कर सकता है, उसके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। पर्सनल नेचर। नेचर कौन सी? पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर। इनके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। इनके अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, अब मुझे आपने हाँ या ना में आंसर करना है, सब ने। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? पूछा, बोलो। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? क्या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड एग्रीमेंट था? क्या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? सब्सिक्वेंटली तो खराब हुआ। क्या एक वॉइड एग्रीमेंट पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट अपने अंदर एक एग्रीमेंट होता है? आज की आखिरी बात, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका आगे लिख लें, डिटेल्स इन चैप्टर 4, डिटेल्स इन चैप्टर 4, मगर थीम क्या है अभी आपको बता देता हूं। डिटेल्स कहां पे मिलेंगी? चैप्टर 4 में, मगर थीम समझ लें। फर्ज करें आप लोग सड़क पे जा रहे हैं और
सामने से एक बदमाश आ जाए, बदमाश लगता तो खैर उसे वो नहीं है, बट चले कांगड़ी पहलवान आ जाए, चले बदमाश सभी टाइप एक बदमाश सामने से आ जाए, मैंने फीचर्स तो बताने का कहा ही नहीं। खैर वापस आ जाए, उस बदमाश ने आपसे पैसे छीन लिए, बल्कि उसने आपसे कहा कि यार तुम मेरे से 1 किलो आम परचेज करोगे? सभी ने कहा नहीं। उसने कहा फिर सोच लो, क्या तुम मेरे से 1 किलो आम परचेज करोगे? सभी ने कहा हाँ हाँ, मेरी जरूरत, मैं सर हाजिर सर। उसने कहा देखो मैंने भी बीड़ा पड़ा हुआ, तो मैं तुम इस आम के पैसे भी तुमसे लूंगा, मैं पैसे भी लूंगा। सभी ने कहा कितने? जितने तुम्हारी जेब में। उसके बदले क्या मिलेगा इसको? 1 किलो। हाँ, ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस हो गई, पार्टीज भी हैं, ऑब्जेक्ट भी आम है और कंसिडरेशन भी है। इसकी जेब में था 70,000 रुपया, और वो 70,000 रुपया वो बदमाश 1 किलो आम के बदले से लेके चला गया। अब इसके आंखों में आंसू, ये रोते हुए घर आया अपनी वालिदा के पास। मैं कुछ और पहले कहने लगा था, मैंने कहा नहीं, अपनी वालिदा के पास वापस आया। तो आके अच्छा इनकी वालिदा बड़ी खुश हुई, मेरा बेटा 1 किलो आम लेकर आया, जिंदगी में फर्स्ट टाइम इसने आम परचेज किए। फिर इसने रो के अपनी कहानी सुनाई, दास्तान सुनाई कि इसके साथ जो रास्ते में ज्यादती हुई है, जो हरासमेंट हुई है, वो ये थी। अच्छा अब इनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ये घर जाके खुद को ठीक ठाक करें, अपने आप को खात्मु धोएं और पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाके कहें कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, 1 किलो आम 70,000 रुपये के मैंने बाय किए हैं, तो इस तरह का बंदा था, इसको ढूंढ के ला के दें। वो तो फिर देना पड़ता है ना। अच्छा सुन लो, एक ऑप्शन ये है, एक और ऑप्शन है, ये डर के बैठ जाए और जो हो गया उसको अल्लाह पे छोड़ दें और कबूल कर लें कि इनका नुकसान होना था, वो इनका नुकसान हो गया। दोनों केसेस में दो तरह की पार्टीज हमारे सामने आई हैं। एक ये जिसके साथ जुल्म हुआ, उसको हम प्यार से कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? लिख लें, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ हरासमेंट हुई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ हरासमेंट हुई है, दैट इज एग्रीव्ड पार्टी। और वो बंदा, वो बदमाश जिसने गलत काम किया, वो है डिफॉल्टिंग पार्टी। वो कौन सी पार्टी है? डिफॉल्टिंग पार्टी। अब इनके पास मैंने कहा था दो ऑप्शंस हैं, या तो कबूल कर लें या कबूल ना करें। कबूल कर लिया तो घर बैठे रहेंगे, कबूल ना किया तो कहां पे जाएंगे? लॉ ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ एग्रीव पार्टी खड़ी हो जाए और एक तरफ डिफॉल्टिंग पार्टी खड़ी हो जाए, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट आ जाता है। किसके पास आएगा राइट? एग्रीव्ड पार्टी के पास एक राइट आएगा टू ईदर मेक इट वैलिड और मेक इट वॉइड। ईदर मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई घर बैठ गए हैं, कुछ नहीं किया, अल्लाह पे छोड़ दिया, आपने दिल में उसको गालियां दी और उसको वैलिड मान लिया। दूसरा केस, आप पहुंच गए कहां पे? थाने। उस केस में आपने उसको वॉइड एग्रीमेंट बना दिया, आपने कबूल उसको नहीं किया, तो ये क्या बन गया? वॉइड एग्रीमेंट। तो अगर घर बैठ के आप अपना लिए, इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आपने उसको अपनाया नहीं है, इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये खासियत है किसकी? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। चाहो तो अपना लो, चाहो तो
ना अपनाओ। और ये किसके पास ऑप्शन होगी? एग्रीव पार्टी कौन सी होती है? जिसके साथ जुल्मो सितम हुआ। डन। जो आपको ये प्रोवाइड किए गए ना, इसमें 51 नंबर को छोड़ के आप सारे सवाल कर सकते हैं। 51 को छोड़ के अब आप हर तरह के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन नोट्स के एंड पे आइएगा, चैप्टर के नोट्स के एंड पे आइएगा, चैप्टर के नोट्स के एंड पे आइएगा। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, एंड के ऊपर ना दो लाइनें होंगी, गालिबन सेक्शन 24 है या 25 है, कौन सा है? पक्की बात है 25 तो नहीं है, 24। इसके आगे लिख लें टू बी या कैरी फॉरवर्ड आफ्टर चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6, टू बी कॉन्टिन्यूड आफ्टर चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6। अब आप लोग ने कहना सर ये 7 बाद में आता है, 6 पहले आता है, बट आपने 7 और 6 क्यों बोला? क्योंकि पहले 7 होगा बाद में 6 होगा, तो टू बी कॉन्टिन्यूड आफ्टर चैप्टर 7 एंड चैप्टर 6। देखने में ये दो लाइन ही है मगर ये दो लाइनें बहुत गहरी हैं, समझ आई बात की? तो 51st जो कि इसी से ताल्लुक रखता है उसको छोड़ के अब आप सारे सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद है, क्लियर है? चल अब एक काम करते हैं, आपसे एक सरप्राइज असाइनमेंट लेते हैं, है ना? यस। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ तैयार पड़ा हुआ है, एमसीक्यूज है, सिर्फ एमसीक्यूज है, 15 एमसीक्यूज। ना 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 ना, कल हमने पॉसिबल करने हैं, 15 एमसीक्यूज हैं। मैंने कहा था हर दिन कोई ना कोई वैरायटी आ सकती है, किसी भी दिन कोई भी वैरायटी आ सकती है। तो जो आज जिस टाइम आप क्लास में थे ना, सवाल वही वाले हैं, आपने परेशान नहीं होना। 15 एमसीक्यूज हैं जिसमें से 6 ऐसे हैं जो कि आईकैब में आ चुके हैं, बाकी 9 आसान है, 6 मुश्किल होंगे, 9 आसान होंगे। तैयार? प्रोवाइड कर दिया जाए? मैं पूछ क्यों रहा हूँ, मैं तो आपको प्रोवाइड करना है। जस्ट अ मिनट, इनाम को बुलाइएगा ना, उससे कहिएगा वो असाइनमेंट ले। अच्छा, आज कितना पढ़ा? आधा सफा। क्या करेंगे आप लोग, मतलब इस पेस पे सिलेबस खत्म हो जाएगा? दो दफा हो जाएगा? दे दे यार, इनसे हमने ना काम करवाना है, इनके बहानों में नहीं जाना कभी भी, याद रखना, ये बड़े शैतानी बच्चे हैं हमारे। एक बड़ा भाई बिखड़ा हुआ यहाँ पे, भाई मैंने पेपर पास करवाना है, बातों बातों में पास हो जाना। आजा आगे आजा। अच्छा, इसी पे अटेम्प्ट करके आप वापस कर सकते हैं, ठीक है ना? छुड़वा लो जैसे इन दोनों में सब किसी को नहीं आता होगा ना हंसला को आता है भाई, आजा तू, आगे आजा, तू नाराज ना, तू आगे आजा। आप भी अगर एक एक सीट छोड़ दें, अच्छा खुद नहीं होना, अगले बंदे को लाजमी कहना आपने, बड़ा सीट छोड़ी है, बड़ी सीट छोड़ी है, एक बंदा आगे आ जाए, ठीक है आप खड़े हो, मैं निकलता हूं। अच्छा, ऑनलाइन शेयर कर दो, ऑनलाइन वाले हजरात भी इस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए, और हम इसका सोल्यूशन 10 बजे ग्रुप में शेयर कर रहे होंगे, और जो फिजिकल हाजिरी बैठे हैं वो सबमिट करवाएंगे, उनका मार्क भी होगा। तो आपसे मुलाकात करते हैं कल विद पास्ट पेपर्स ऑफ चैप्टर 3। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।